पूर्ण रूप से विसर्जित होकर के भगवान समुद्र बन जाती हैं। इसीलिए आज का दिन अपने आप में एक अद्वितीय क्षण है और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं विधाता ने जिनके ललाट पर सोने की कलम से भाग्योदय लिखा होता है, वही गुरु के चरणों में उपस्थित हो सकता है, वही साधन को प्राप्त कर सकता है, वही पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और आज का दिन आपके जीवन को पूर्णता देने का दिन है। आज का दिन आपको मृत्यु से अमृत्यु की ओर खींच कर ले जाने का दिन है। आज का दिन आपके हृदय में उफनता उछलता हुआ प्रेम घट स्थापित करने का दिन है। आपकी आंखों में आनंद प्रदान करने का दिन है। आपके रग रग में चेतना प्रवाहित करने का दिन है। इसीलिए यह दिन 365 दिनों में भी सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण और अद्वितीय और सुगंध युक्त दिवस कहलाता है, जहां गुरु और शिष्य अपने आप में एकाकार हो जाते हैं, जहां कुछ भी बाकी नहीं रहता, अपना प्रेम, अपना सर्वस्व, अपना जीवन सब कुछ न्योछावर करके सब कुछ पा लेता है। ऐसा आज का महत्वपूर्ण दिन है, ऐसा अद्वितीय दिन है। आपका यह उमड़ता हुआ समुद्र, आपकी आंखों की यह प्रसन्नता, आपके हृदय की ये उल्लास, मेरे हृदय में एक आनंद की सृष्टि उत्पन्न कर रही है। और हमारे इन चार दिनों में और आज विशेष दिन में जितनी तक दृष्टि जाती है वहां शिष्य ही शिष्य दिखाई दे रहे हैं। यह हमारे शिष्यों के चेतना का प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है कि हम स्वतंत्र होते जा रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि हम उच्च कोटि पर खड़े होने के लिए काबिल हैं, इस बात का प्रमाण है कि गुरुदेव हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इस बात का भी प्रमाण है कि हम सबको छोड़ छाड़ करके आपके साथ जहां भी चाहे चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हम एक ही लक्ष्य, एक ही चिंतन है कि हम पूर्णता प्राप्त करें। बल बल बुज गुरुदेव की, बल बुज गुरुदेव की, बल बुज गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, बुज छोटे गुरुदेव की, सिद्धा सब साधक परिवार की, हर हर महादेव। आपके कई कई जन्मों के पाप मंत्रों के माध्यम से मैंने धोने का प्रयत्न किया है और सफलता पाई है। कई कई योनियों में भटकते हुए आप लोगों को उन योनियों से छुटकारा देकर के मेरे पास आपको बुलाया है और उन योनियों से छुटकारा दिलाया है। आपके मन की मलिनता और न्यूनताओं को दूर करके अपनी भुजाओं में आपको भर करके आपको प्यार किया है। और उस जगह पर खड़े हैं जहां एक तरफ कीचड़, झूठ, छल, कपट, असत्य और न्यूनताएं हैं और एक तरफ गुरुदेव के साथ सिद्धाश्रम की ओर गतिशील होने के लिए हम प्रवृत्त हैं, गतिशील हैं और निरंतर प्रतिक्षण आप मेरे साथ हों और हैं, इस बात का मुझे भरोसा है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि इस भव्य और अद्वितीय दिवस पर और आने वाले बुद्ध पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक आपके पांव ठिटके नहीं, रुके नहीं,
आपकी चाल में अवरोध नहीं आ जाए, आपके हृदय में मलिनता नहीं आ जाए, आप फिर किसी बंधनों में ग्रस्त नहीं हो जाएं, आप फिर किसी प्रकार से रुकावट की वजह से अपने आप में न्यूनता अनुभव नहीं कर लें, कोई ऐसा क्षण नहीं आ जाए कि आपके मेरे बीच में तीसरा कोई खड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने आपको जैसे भगवान राम ने हनुमान को उस जगह पर लाके खड़ा किया था कि जहां से छलांग लगाने पर उस आतताइयों को नाश करके सीता की प्राप्ति करके भगवान राम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का तैयारी की थी, मैंने भी आपको उसी जंपिंग स्टोन पर उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहां उछाल खा करके सीधे सिद्धाश्रम पहुंच सकते हैं, अब कोई स्थान नहीं। बल बल पूज गुरुदेव की, जोर से बोले बल पूज गुरुदेव की, बल पूज गुरुदेव की। आपके प्यार को मैंने अनुभव किया है और मेरे क्रोध को भी आपने अनुभव किया है और प्यार के साथ उसको सहे जाए। 10,000 गुना ज्यादा क्रोध दबा करके केवल एक गुना क्रोध रह गया है, क्योंकि आपके साथ उतना अधिक क्रोध संभव भी नहीं है। ऊपर से क्रोध करता हूं मगर अंदर से बहुत बहुत प्यार करता हूं। कबीर कह रहे हैं कि मैं घड़ा बना रहा हूं शीतल जल का, मगर भीतर भीतर सहज के बाहर बाहर चोट। मैं बाहर चोट देता हूं मगर भीतर मेरा हाथ लगा हुआ रहता है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं उसको एक सुराही बना रहा हूं। और शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि उस जगह पर लाके शिष्यों को खड़ा कर दें कि ये सारी पृथ्वी, ये सारा आर्यावर्त, ये सारा भारतवर्ष देखे, एहसास करे कि ये अपने आप में अद्वितीय सूर्य हैं जिनको मैंने बनाया है, इस बात का मुझे गर्व है। बोले प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, मुझे छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। इसीलिए मैंने आप लोगों को आह्वान किया है और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरी एक आवाज पर आप दौड़े हुए चले आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं कुछ भी आज्ञा देता हूं और आप ना करते ही नहीं हैं, मना ही नहीं करते हैं। मैं आपका जीवन मांग लेता हूं तो आप जीवन दे देते हैं, मैं आपके प्राण मांग लेता हूं तो आप प्राण दे देते हैं, ऐसा हजार हजार बार अनुभव किया है, इस बात का तो प्रसन्नता है। क्योंकि आप मानव नहीं हैं, आप अपने आप में जहां मानव अपने आप में पुरुष और पुरुष बनकर के एक देवत्व की प्राप्ति की ओर गतिशील होती है, उस देवत्व की आर और आप गतिशील होते हुए ठीक वैसे ही हैं जैसे भगवान कृष्ण के साथ में देवता लोग ग्वाले बनकर के चारों तरफ घूमते रहते थे और उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य अनुभव करते थे, और सारी अप्सराएं, देवांगनाएं, गोपिकाएं बनकर के कृष्ण के चारों तरफ चतुर्दिक घूमती रहती थी, ठीक वैसा ही क्षण उपस्थित है कि आप देवता उन रूप धारण, मनुष्य रूप धारण करके चारों तरफ घूम रहे हैं और मैं आपके साथ प्रसन्नता का आनंद ले रहा हूं, यही एक आनंद है। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वल्लिया माता जी की, कुछ छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। फिर भी मैं डर रहा हूं इन तूफानी हवाओं से, इन जहरीली वासनाओं से, इन घृणित और गंदे लोगों से जो आपके चारों तरफ हैं, उस जहर से जो
आपके अंदर जाकर के आपको जहरीला बना देता है, उसे मैं भयभीत इसलिए हूं कि आपकी सृष्टि, आपका निर्माण, इस रूप में आपका संस्कार बहुत कठिनता के साथ किया है। धीरे धीरे गतिशील होता हुआ, एक एक साल आगे बढ़ाता हुआ, आपको समझाता हुआ, सहेजता हुआ, क्रोध करता हुआ, डांट देता हुआ, थप्पड़ मारता हुआ, लात लगाता हुआ और सीने से लगाता हुआ भी उस मुकाम पर ले आया हूं जहां आपको ऋषि मुनि योगी यति आपको सिद्धा समझाने से रोक नहीं सकते, उस जगह लाके खड़ा कर दिया है। साधक परिवार की हर हर महादेव। अब समय आ गया है कि आप अपने आप को सही ढंग से पहचानने की कोशिश करें, अपने अंदर की आंखें खोल करके अपने आप को देखने की कोशिश करें कि आप क्या हैं। आप वो नहीं हैं जो साल भर पहले थे या पांच साल पहले थे। आप हाड़ मांस के पुतले भी नहीं हैं। आपको स्वयं ज्ञात होना चाहिए कि आप किस जगह पर खड़े हैं, आप क्या हैं, और किसी भी प्रकार से उन अवरोधों को, उन बाधाओं को, उन पाप छल और झूठ जो मनुष्य शरीर धारण करके आपके चारों तरफ विचरण कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार के रूप में, ऐसा नहीं हो जाए कि आप उनमें वापस खो जाएं, ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी मेरी भी दूरी बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो जाए कि